सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अभी तक हमने अ से लेकर अंका तक के अक्षर बनाने सीखे थे, आज हम सीखेंगे क कवर्ग, जितना भी हो पूरा कवर्ग आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम क बनाएंगे। क बनाने के लिए हमने जो खाने बनाने हैं वो हमने बनाने हैं, हम यहाँ से खाने हमारे बने हुए हैं, बस सिर्फ हमने दर्शाना है कितने में बनेगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में बनेगा और नीचे कोई 7 में बनेगा, 1, 7 इस तरह से ये बनेगा। अब हमने का अगर हमने बनाना है तो यहाँ से जो लास्ट की लाइन है इसको हम पूरा डार्क कर देंगे यहाँ तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक, और हम इसको इस तरह से ऐसे दो, ये जो है वो ये वाले दो इनको मिला देंगे, यहाँ ये यहाँ होगा, ये लास्ट है 6 इसका, इसका ये नहीं है, 6 की ये लाइन लास्ट है, ये यहीं तक आएगा। यहाँ से नीचे 7 है आपका, ये आपका 7 है, यहाँ पे भी इस तरह से, यहाँ से ये 2 और फिर अगले 2 इस तरह से, यहाँ हम इसको इससे मिला लेंगे, ऊपर जो है वो हम यहाँ इसको इस तरह से और इसको इस तरह से हम यहाँ पर मिला लेंगे। वो हमने यहाँ से क्या करना है, इस तरह से हम इसको कर्व दे देंगे, यहाँ सीधा आ जाएगा, यहाँ से फिर इसका कर्व आ जाएगा और दूसरी लाइन भी हमारी इसी तरह से आएगी, इस तरह से यहाँ से ये, और यहाँ से ये हमारा जो आएगा वो आपका यहाँ तक पीछे तक आ जाएगा, यहाँ से ये इस तरह से, यहाँ से ये यहाँ इसको यहाँ मिला लेंगे, ये जो हमारा आएगा ये यहाँ से गोलाई में यहाँ तक आ जाएगा इस तरह से। अब इसको भी हमने इसी तरह से बनाना है यहाँ से, और ये यहाँ तक हमारा आगे आ जाएगा, ये यहाँ से हमारा यहाँ पे मिला सकते हैं इस तरह से, और ये जो आपका पॉइंट आएगा वो इस तरह से आ जाएगा, इस तरह भी आपको अच्छा दिखेगा यहाँ से, ये आपका देख सकते हैं ये आपका क है। अब हम ख बनाते हैं, तो आपका मैं यहाँ से 0 ले लेता हूँ, 1, 4, 5, 6 और नीचे को आपका 7 जो है वो यहाँ तक बनेगा, ये यहाँ तक नीचे 7 आ जाएगा इसका। तो ख बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से इसको हम तिरछा मिला देंगे, ये लाइन हम इसकी पूरी पीछे ले जाएंगे, और ख हमारा ज़्यादा अच्छा अगर हमने बनाना है तो इसको हम 7 में भी बना सकते हैं, 7x7 में भी बना सकते हैं। मैं इसको आपको बता देता हूँ इस तरह से, यहाँ पर हमने क्योंकि इसमें पहले हमारा जो यहाँ से बनेगा जो हमारा कार्य होगा यहाँ पर इसका, ये जो आपका काम होगा यहाँ से हमने 3 तक आगे ये आना है, और यहाँ से हम इसको उठा देंगे और इसको हम यहाँ से गोलाई में ऐसे मिला देंगे, ये हमारा यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से हमारा ये इस तरह से बनेगा, ये जो आपका बनेगा हमारा इस तरह से बनेगा, यहाँ से हमारा जो है वो ये ऐसे बन जाएगा। अब आपने क्या करना है यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से जो आपका ख बनेगा वो आपका इस तरह से बनेगा, ये आपका ब्लॉक जो है पूरा आ जाएगा ऊपर, ये जो है यहाँ पे है हमारा यहाँ पे आएगा, थोड़ा मेरा पेंसिल आगे थोड़ा चला गया था, इस तरह से ये आपका जो है वो ख आपका है वो बन जाएगा। अब आपके बनाना है ग, तो ग तो आपका 6 में भी बन जाएगा, ग के लिए आपको 7 में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये आपका 6 का लास्ट है, और हमने अगर ग बनाना है तो लास्ट की लाइन तो आपकी पूरी जो है वो डार्क हो जाएगी, यहाँ से जो है आपका एक खाना रहेगा खाली, यहाँ पे आपका 2 और ये फिर आपका इस तरह से मिल जाएगा। ग बनाने के लिए हमने ये आपका लास्ट लाइन है यहाँ पे, ये आपकी लास्ट लाइन है, तो ग तो आपका बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान से आपका ग बन जाता है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ जो हमने है वो आपके 3 लाइनें, पहले हमने अपने क्या करना है, ये आपका यहाँ पे 3 तक आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे आगे 4 तक आ जाएगा, तो यहाँ से आपने बस सिंपल सा ये यहाँ से इसमें गोलाई दे देनी है, इस तरह से आपने इसको आगे मिला देना, तो ये आपका ग जो है वो बन जाएगा। अब आपने बनाना है घ, घ आप कैसे बनाएंगे,
जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच और एक छः, ये आपका ऐसा बनेगा। यहाँ से पिछली लाइन पूरी आपकी डार्क हो जाएगी और यहाँ से आपका ये एक ही खाना डार्क होगा, यहाँ से ये आपका ये, और फिर यहाँ से खाली छूटेगा ये जगह आपकी यहाँ पे डार्क हो जाएगी। यहाँ से आपने सात तक आगे लाइन डार्क ले लेनी है, ये आपने सात तक नीचे डार्क लेनी है और यहाँ से आपने ये एक खाना ब्लॉक करना, अगला आपका पूरा ब्लॉक हो जाएगा, ये आपका रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जो है वो तिरछा, यहाँ से आपने कर्व देना है इसको, सिर्फ इतना ही कर्व यहाँ से आएगा, यहाँ से गोलाई में थोड़ा आपने कर्व देना है। यहाँ से जो आपका कर्व आएगा ये कि यहाँ तक आएगा, यहाँ से ये तिरछा यहाँ पे कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से जो है ये इस खाने से यहाँ मिलेगा और यहाँ से ये यहाँ मिल जाएगा इस तरह से, और ये जो आपका है वो यहाँ से यहाँ मिल जाएगा इस तरह से, ये आपका घ बन जाएगा। अब हमने बनाना है ग, ग आपका ये तो बहुत ही आपका आसान है, ये जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो ये छः में हमारा यहाँ से बन जाएगा इस तरह से आपका यहाँ से, और ये जो आपका बनेगा हम लास्ट लाइन से हम इसको उठाएंगे, मतलब ये यहाँ से हम इसको उठाएंगे, ये यहाँ तक आपका नीचे बनेगा, ये आपका सात आ जाएगा यहाँ से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ऐसे बनेगा। यहाँ से हमने एक ये आगे उठाना है यहाँ से, और फिर हम इसको ऊपर यहाँ से जो है वो ऊपर को उठा लेंगे यहाँ से फिर यहाँ तक हम इसको ऊपर, वस्तु लास्ट लाइन तक ऊपर आता है, फिर हम इसको चल यहाँ तक हम इसको उठा लेंगे, यहाँ से हम इसको कर्व दे देंगे, और ये जो दूसरा जो हमारा है वो हम यहाँ से इसको कर्व देंगे, ये यहाँ से वापस चला जाएगा, फिर यहाँ से ये फिर गोलाई में आ जाएगा, ये जो है वो यहाँ से कर्व दे करके यहाँ तक जाएगा, अब ये यहाँ से इधर को आ जाएगा, ये यहाँ से इधर आ जाएगा, और इसको हम यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, इसको आप यहाँ से सीधा ऐसे भी मिला सकते हैं, और यदि आप इसको और अच्छा सजावट देना चाहें तो आप इसको यहाँ से ऐसे भी सजावट दे सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको सजावट दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपने वो ये आपका तिरछा आपने इसको यहाँ से ऐसे यहाँ पर बिंदु पीछे इसमें लगा देना है, तिरछे में आपने लगा देना है, इस तरह से ये आपका क, ख, ग, घ और ग, ये आपके पांच अक्षर कवर्ग जिनको हम कहते हैं ये बन के तैयार हो गए। आपने भी इनको अपनी बुक पे अच्छे से बनाना है, और जब पूरे हो जाएंगे तो बाद में इसमें हम कलर भी